हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओएवीएस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम 2022 पाई किछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स उपरे। तो एथरे आम डिस्कशन करिबा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस उपरे आपमन करंट अफेयर्स जहाँ कि आपमन सिलेबस रे रहिछि। ये होची फेब्रुवारी 2022 सेकंड वीक रो लेटेस्ट करंट अफेयर्स। एथरे आम डिस्कशन करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट 21 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आप माने जे जानिछन ताल आउट ऑफ 21 केत मार्क रखिछन कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियोटी जेटी आईएटी ओपीएससी एएसओ ओईएस ओसीएस समस्त एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। तो 21 रे केते रखिछन कमेंट बॉक्स रे मध्ये जणाई परिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रो नुआ डायरेक्टर किए निजुक्ति होती। चार ऑप्शन रही, तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, एस सोमनाथ, एस किरण कुमार, राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। तो ये आम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। जो मैंने ए टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडीबॉडी। तो मेडीबॉडी रो ब्रांड एम्बेसडर किए निजुक्ति होती। विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम। तो मेडीबॉडी रो ब्रांड एम्बेसडर बनी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच स्टेट और यूटी हैज टॉप्ड द इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो रिसेंटली द राइट्स एंड रिक्स एनालिसिस ग्रुप द्वारा गोटाए 2021 रो इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करा जाइछि। सेथिरे क्यों राज्य बा केन्द्रशासित अंचल शीर्ष स्थान रे रहिछि, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर। तो ये आम करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड काश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट वाज द रैंक ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स इन 2021। तो 2021 वर्ल्ड रो जत्ते गुडा सेंट्रल बैंक रही से मध्य गोल्ड माने सुना किणवे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केते नंबर रैंक रे रही। तो ये आम चारिटा रही, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ। तो ये आम करेक्ट आंसर रही सेकंड पोजिशन रही, सेकंड पोजिशन रही। आउ फर्स्ट पोजिशन रही थाइलैंड, थाइलैंड रही प्रथम पोजिशन। इंडिया रैंक हूँ सेकेंड, आम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रैंक हूँ सेकेंड पोजिशन। नेक्स्ट रही, व्हिच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड द कैंपेन नेम्ड टेक ए ब्रेक। तो रिसेंटली क्यों प्लेटफॉर्म टेक ए ब्रेक नाम गोटाए कैंपेन गोटे अभियान को लॉन्च करी, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो करेक्ट आंसर होची इंस्टाग्राम। नेक्स्ट रही, व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो रिसेंटली उत्तराखंड रो ब्रांड एम्बेसडर रूपे किए निजुक्ति होती, क्यों बॉलीवुड एक्टर निजुक्ति होती, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट रही, जेन्स टोल्टनबर्ग, जेन्स टोल्टनबर्ग इज द हेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जेन्स टोल्टनबर्ग निम्नलिखित मध्य कौ संगठन रो मुख्य अटंती, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहाँ को WEF कह जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ASEAN। तो ये आम करेक्ट आंसर होची कौन ना नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। वर्तमान न्यूज रे अछंती आपन समस्त जानिसिन वर्तमान रुषिया और यूक्रेन मध्य युद्ध होबार बहुत संभावना रही। तो एथिरे अमेरिका यूक्रेन सपोर्ट रे आछि, से नाटो एवं यूरोपियन संघ को कहूछि जे यूक्रेन सहित मिसिकी रुषिया सहित युद्ध पई लढिया पई। तो सेथिपई नाटो रो न्यूज रही, सेथिपई नाटो रो एग्जाम मे बि आसी पारे। तो नाटो रो मुख्य होछंती जेन्स टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट रही, व्हिच वाज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021। 2021 सब कंजेस्टेड सिटी कौटा से पचार, माने बहुत जनबहुल बहुत कंजेस्टेड सिटी कौटा से पचार। तो ये न्यू दिल्ली, मस्को, इस्तानबुल, मुंबई। तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, इस्तानबुल, वर्ल्ड लेवल रे इस्तानबुल।
नेक्स्ट रही व्हिच वाज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया इन 2021। तो इंडिया रे 2021 सब अधिक कंजेस्टेड सिटी कौटा से पचार तो ये आम दिल्ली बेंगलोर मुंबई चेन्नई तो आम करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई सब अधिक कंजेस्टेड सेकेंड पोजिशन बेंगलोर और थर्ड पोजिशन रोचे आपर दिल्ली तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई हूँ मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया 2021। नेक्स्ट रही हु इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इन आईसीसी मेन्स ओडिया बैटिंग रैंकिंग रिसेंटली। रिसेंटली आईसीसी द्वारा मेन्स ओडिया बैटिंग रैंकिंग जारी करा जाए से इंडिया तरफ किए टॉप रे रही इंडिया को बैट्समैन टॉप रे रही रोहित शर्मा विराट कोहली शिखर धवन केएल राहुल तो ये करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली टॉप रे रही आमर जो पूरा वर्ल्ड लेवल रे देखा ताहले सेकंड पोजीशन रे रही थर्ड पोजीशन रही वर्ल्ड लेवल रे आमर रोहित शर्मा आ प्रथम पोजीशन रही बाबर आजम जे कि पाकिस्तान रो फास्ट रे रही आदि इंडिया देखा ताहले विराट कोहली आमर प्रथम पोजीशन रही। नेक्स्ट रही व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टीम। तो अहमदाबाद आईपीएल टीम रो नुआ नाम कौन गुजरात लायंस गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद टाइटन्स अहमदाबाद जियांट्स तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइटन्स। नेक्स्ट रही हु हैज बिकम एशियास रिचेस्ट पर्सन एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रे अनुजाई वर्तमान एशियार सबुठार धनी व्यक्ति किए साइरस पुनावाला गौतम अदानी अजिम प्रेमजी शिव नाडार तो ये करेक्ट आंसर होची आमर गौतम अदानी वर्तमान एशियार सबुठार धनी व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स अनुजाई वर्तमान पचर पकड़ दे मुकेश अंबानी को आदि वर्ल्ड लेवल रे कहते हैं टेन्थ पोजिशन रे दशम स्थान रे गौतम अदानी आगारतम स्थान रे आमर मुकेश अंबानी तो गौतम अदानी वर्तमान एशियार सबुठार धनी व्यक्ति गौतम अदानी। नेक्स्ट रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो वर्तमान नुआ चेयरमैन किए निजुक्ति होती ब्रजराज शर्मा एस किशोर एम जगदेश कुमार दिनेश प्रसाद सकलानी तो समस्त पॉइंट एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा तो देखु वर्तमान SSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो नुआ चेयरमैन निजुक्ति होती एस किशोर वर्तमान SSC रो न्यू चेयरमैन बनी एस किशोर यह पूर्व किए थे ब्रजराज शर्मा एग्जाम में भी आसी पारे एस किशोर हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन क्या रिप्लेस कले तो ब्रजराज शर्मा को रिप्लेस कले वर्तमान एस किशोर नुआ चेयरमैन है SSC रो आउ एम जगदेश कुमार ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रो चेयरपर्सन बन जाती एम जगदेश कुमार ये सब लाटेस्ट रही आउ दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान NCERT आमर NCERT रो नुआ चेयरपर्सन बनी दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT रो दिनेश प्रसाद सकलानी UGC रो एम जगदेश कुमार आउ SSC रो वर्तमान बनी किए ना आमर एस किशोर समस्त पॉइंट एग्जाम पर इंपोर्टेंट रही है जदि भिडियो भल लगता है तेल निहत भाव हृदय गोटे गोटे लाइक निहत भाव करेंगे और अधिकर अधिक मात्र कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। नेक्स्ट रही इसरो हैज प्लान टू लॉन्च विच सैटेलाइट ऑन February 14th दैट विल बी इसरोज फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022। तो देखु इसरो रिसेंटली वर्तमान प्लान कर February 14th से गोटे सैटेलाइट को लॉन्च कर तो सेटा हूँ 2022 लॉन्च करने प्रथम सैटेलाइट हम तो से सैटेलाइट ना कौन से पचार EOS 1 EOS 2 EOS 4 EOS 3 तो ये आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी EOS 4 EOS फुल फॉर्म कौन ना Earth Observation Satellite 4 को February 14th लॉन्च करा जीवो एटा होची 2022 प्रथम सैटेलाइट लॉन्च इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टनल हैज बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो रिसेंटली क्यों टनल को वर्ल्ड रो सबुठारु लंबा हाईवे टनल भावे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे सर्टिफाई करागला बा प्रमाणित करागला
पीर पंजाल टनेल, जोजिला, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनेल, अटल टनेल। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी अटल टनेल एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर कैटेगरी एट ओस्कार्स। तो आम जो ओस्कार अवार्ड पाई रिसेंटली भारत को डॉक्यूमेंटरी फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फीचर फिल्म पाई नॉमिनेट करा जाए राइटिंग विथ फायर वाइल्ड कर्नाटका चेयर हरन द माउंटेन विथिन। तो ये करेक्ट आंसर होची राइटिंग विथ फायर राइटिंग विथ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इंडियन आथलेट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द लोरेस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो रिसेंटली क्यों भारतीय आथलेट को 2022 लोरेस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड रे नामित करा जाइछि नीरज चोप्रा रानी रामपाल पी आर श्रीजेस पी वी सिंधु। तो ये आम सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नीरज चोप्रा। नेक्स्ट रही विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर इन इंडिया। इंडिया प्रथम ग्राफेन इनोवेशन सेंटर क्यों राज्य स्थापना करिबो। तो ये आम केरला कर्नाटक गोवा ओडिशा। तो ये सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज बीन बैग द TX2 अवार्ड फॉर 2022 TX2 पुरस्कार रे क्यों टाइगर क्यों भारतीय टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत करागला किए ये अवार्ड जीति सिमिलपाल नेशनल पार्क ओरांग टाइगर रिजर्व मुदमलाई नेशनल पार्क सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली 2022 TX2 अवार्ड रे पुरस्कृत हो। तो यार कारण कौन कहीं आम TX2 अवार्ड कौन पर दिया जा TX2 अवार्ड दि जाऊँगी जो टाइगर जो नेशनल पार्क रे तार जहाँ किसी जो एनिमल रही दुगुना कर मैंने डबल हुए ताको ए पुरस्कार पुरस्कृत करा जाए। तो या पूर्वर 80 थिला तो तार वर्तमान डबल कर मानने 160 तो वर्तमान तार दुई गुण बाघ संख्या दुई गुण वृद्धि होती है जो ये पुरस्कार पुरस्कृत कर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जहाँकि आमर तमिलनाडुर ईरोड जिले अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। आमर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो नुआ चेयरपर्सन किए निजुक्ति हेले पुष कुमार जोशी रिजवान मुकेश कुमार सुराना विपिन सचदेवा। तो ये आम सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए पुष कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द चेयरमैन ऑफ द LIC हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट टिल मार्च 2023। तो कौन कही रिसेंटली LIC चेयरमैन किए थे जहाँ कि कार्यकाल को वर्तमान वृद्धि करा जाएगी मार्च 2023 पर्यंत। तो चारिटा ऑप्शन रही MR कुमार सिद्धार्थ महांती पंकज जैन मुकेश गुप्ता। तो ये सठिक आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए MR कुमार। तो फ्रेंड्स ये आज 21 क्वेश्चन आप मैंने आउट ऑफ 21 केत मार्क रखुच्च कमेंट सेक्शन में निहत जनपरेंगे जदि भिड भल लगता है तो निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिक रू अधिक मात्र कमेंट सेक्शन में निहत भाई कमेंट कर जनइबे सहित सेयार सांगसाथी मानक करदे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।